सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर फाइन। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8 बज रहे हैं और डेट आई थिंक 2 सितंबर है। तो अभी जो मैं जा रही हूँ, हमें जाना है एयरपोर्ट बिकॉज आज ईशा पाकिस्तान में लास्ट डे था, मतलब कल लास्ट डे था और आज उसकी फ्लाइट है। तो पहले वो मुझे पिक करने आया, देन मैं उसको ड्रॉप करने जा रही हूँ। तो हमने कहा आगे का ब्लॉग चल रहा है। फाइनली अनिशा को हमने बता कर दिया है। हाय, आप सब सोच रहे हो कि क्या हुआ? आप सब तो छोड़ो, मैं सोच रही थी कि क्या हुआ। हाँ तो भाई, सीन कुछ ऐसा हुआ कि ये बात है कुछ 2 सितंबर के, जब हम अनिशा को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे तो ऑलमोस्ट हम लोग उसको गुड बाय कह चुके थे। तो फिर उस 15 मिनट में ऐसा क्या हुआ, हम उसको ड्रॉप करके वापस आ चुके थे, ऑलमोस्ट आधे रास्ते में थे। तो थोड़ी देर में उसका मैसेज आता है कि नबिया मैंने, मतलब मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है। तो भाई लिटरली वी आर शॉक कि फ़्लाइट कैसे मिस हो गई। तो भाई सिर्फ उस 15 मिनट की वजह से जो है उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, और उसके और उस 15 मिनट की वजह से उसको इतना बड़ा लॉस हुआ। क्योंकि अभी जो वो जा रहा था वो तो कंपनी के थ्रू जा रहा था, लेकिन उसको अब जो जाना था वो, तो भाई फिर ट्राई करा कि कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट मिल जाए, लेकिन लॉस तो हो चुका था। तो अब जो उसको सेकंड टाइम जाना था वो अपने एक्सपेंस पे जाना था। तो भाई फाइनली आज जो है 5 सितंबर है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सानी के आज सुबह की उसकी फ़्लाइट है। तो अभी मैंने जाना और उसको ड्रॉप करके आना है। तो हम अपना आगे का ब्लॉग वहीं बनाएंगे। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में आपको दे, लेकिन आज हम उसको 8 बजे ही ड्रॉप करके आ गए कि आज को रस लाना हो। तो भाई ये था मेरे आज का ब्लॉग। आप सबने जो है हम सबको दुआ में याद रखना है, उसको भरपूर दुआ में याद रखना है कि अल्लाह पाक उसको अपनी खैर आफियत में अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो इसलिए आपको मेरा चैनल करना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।